दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्रो सीट मेटल में रिप टूल के बारे में सीख लिए थे। रिप में जितने भी टूल आते हैं उनको सीख लिया, और वीडियो ना देखा हो तो आप देख लीजिए। इस वीडियो में हम सीखेंगे कन्वर्जन और कॉर्नर रिलीफ के बारे में। जब हम रिप लगाते थे तो वहाँ पे नीचे कॉर्नर रिलीफ लग जाती थी, तो उस रिलीफ के बारे में हम डिटेल में सीखेंगे यहाँ पे, और कन्वर्जन सीखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कन्वर्जन। देखिए, हम रिप का यूज करते ही वहाँ थे जहाँ से हमें सॉलिड से शीट मेटल में कन्वर्ट करना हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते थे, एक बेंड लगाते थे। सबसे पहले तो हॉलो करते थे, फिर बेंड लगाते थे, ठीक है, यहाँ पे बेंड लगाते थे, और बेंड लगाने के बाद फिर रिप करते थे, तो हमारा रिप होता था। लेकिन जो कन्वर्जन ऑप्शन है, ऑटोमेटिक सब कुछ कर देगा। जैसे कि हमारे पास ये 3D पार्ट है, ठीक है। इस 3D पार्ट में सबसे पहले आप आके यहाँ पे पार्ट को सिलेक्ट करिए, यहाँ पे इसके बाद गेट डाटा में नहीं, ऑपरेशन में चलिए। ऑपरेशन में चल के कन्वर्ट टू शीट मेटल में जाइए और ओके कर दीजिए। सबसे पहले ऑप्शन आएगा सेल का, तो इसे सेल कर दीजिए। और एक्चुअली में अंदर से खोखला हो चुका है, लेकिन दिखेगा कैसे, देखने के लिए आप यहाँ व्यू में जा सकते हैं, और व्यू से इसको यहाँ से सेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं, या फिर हम एक प्लेन को ऐसे क्लिक करके हटा दें, ठीक है, तो एक फेस इसका यहाँ से अलग हो जाएगा। चाहे तो कंट्रोल के साथ और भी फेस को हटा सकते हैं, हटाना हो तो हटा दीजिए, नहीं तो ओके कर दीजिए। तो ये आपका एक शीट मेटल में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब हम उस सॉलिड से शीट मेटल में आ गए ऑटोमेटिक। अभी देखिए, सॉलिड था या सॉलिड के कमांड थे, अब शीट मेटल के कमांड आ गए। अब इसके बाद आपको रिप नहीं करना और ना ही बेंड लगाना है, कन्वर्जन में चलना है। कन्वर्जन में क्लिक करिए, कन्वर्जन में वो सारे टूल आपको यहीं पे मिल जाएंगे। देखिए, सबसे पहले रिप है, फिर रिप कनेक्ट है, एच है, और कॉर्नर रिलीफ है। यहाँ ये सारे टूल्स जो हमें ज़रूरत थी एक जगह मिल गए। तो अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें एक बेंड लगाने होते हैं। तो बेंड का ऑप्शन है ना, एज बेंड कर लीजिए। जिन जिन एज को हमें फोल्ड करना है वहाँ वहाँ एज बेंड तो ज़रूरी होता है, तो ऐसे एज बेंड कर लिया। इसका मतलब ये है कि ये बेस से ये वाली वाल है यहाँ पे फोल्ड हुई है। अब यहाँ पर भी बेंड लगाने की ज़रूरत पड़ेगी हमको, ठीक है, तो यहाँ पर भी बेंड लगा दीजिए। देखिए, जहाँ पर भी 90 डिग्री मिले वहाँ पर बेंड लगाना ज़रूरी है, और इस जगह से ये वाली वाल भी फोल्ड हुई है तो बेंड यहाँ पर भी जरूरत है। और ऐसे तो देखिए, बेंड एक जगह सारे मिल गए, तो हमने बेंड लगा कंप्लीट कर लिया, ये बेंड ओके हो गया। बेंड होने के बाद अब हमें क्या करना है, एच रिप, ठीक है, उन उन एच को रिप कर देनी है जिन्हें हम रिप करना चाहते हैं, उन्हें सिलेक्ट कर दीजिए। उन एच को, इसको भी सिलेक्ट कर दिया, तो ऐसे ये एज रिप हो गई। और ऐसे यहाँ पर भी रिप करना है तो इनको भी रिप कर दीजिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा एज रिप की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए यहाँ पे एज रिप का ऑप्शन दिया गया है। और बाकी ये जो ऑप्शंस है, ओपन, गैप, ओवरलैप, ये सारे ऑप्शन तो आप जानती हैं, पिछले वीडियो में देख चुके थे, तो यहाँ इन्हें हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ज़रूरत के हिसाब से इन ऑप्शंस को हम बदल लेंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए, दो काम हमारे कंप्लीट हो गए, एक एज बेंड हो गया, रिप लग गई, ठीक है। फिर तीसरा काम आता है रिप कनेक्ट का। तो रिप कनेक्ट कहाँ पे यूज होगी, इन कॉर्नर पे रिप कनेक्ट यूज होगी, ठीक है। तो रिप कनेक्ट यूज करते हैं, रिप कनेक्ट का ऑप्शन लिया। रिप कनेक्ट का ऑप्शन लेने के बाद प्लेसमेंट में चलिए, ठीक है, न्यू सेट बनाइए। तो अब आपको काम करना है, यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक करना है, और कंट्रोल के साथ एक इस जगह पे एक जगह रिप कनेक्ट हो गई, फिर से ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट बन जाएगा, फर्स्ट पॉइंट एंड देन सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट एंड देन सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट एंड देन कंट्रोल के साथ सेकंड पॉइंट, और ओके कर दीजिए। देखिए, जहाँ जहाँ पे एज रिप यूज नहीं हो सकती वहाँ पे रिप कनेक्ट करके हम रिप करते हैं। रिप कनेक्ट का मीनिंग ये होता है कि उन दो पॉइंट को सिलेक्ट करके वहाँ पे एक इमेजिनरी वो एज बना लेता है, और उसी एज को वो रिप कर देता है। अब बात आती है लास्ट में कॉर्नर रिलीफ की।
ठीक है, तो जैसे ही आप कॉर्नर रिलीफ में ऐसे क्लिक कर देंगे, कॉर्नर रिलीफ की टैब ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे जितने जहाँ जहाँ भी रिलीफ लगा है ना, वो देखिए हाईलाइट हो जाएंगे। चार जगह रिलीफ जुड़ी लगी है, जो बेस प्लेन से जो वाल जाती है वहाँ पे रिलीफ लगी हुई होती है। तो देखिए अभी हर एक जगह वी नोच शो हो रहा है, क्योंकि सब जगह वी नोच लगी हुई है। तो प्लेसमेंट में आते हैं, और कॉर्नर रिलीफ जो वी नोच में है ऑटोमेटिक आल सेलेक्ट हो गई, तो उसे सिंगल सिलेक्शन में चले जाइए, और जिस वी नोच को सिलेक्ट करना है उसे सिलेक्ट करके उसका डिजाइन यहाँ से चेंज कर दीजिए, वी नोच की जगह नॉर्मल लगा दीजिए। और इन सारी ऑप्शंस को हम समझा ही चुके हैं पिछली वीडियो में, तो वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा कि इनका फाइनली फाइनली डिटेल्ड क्या मीनिंग है। तो यहाँ बस देख लीजिए ऐसे, और फिर से न्यू सेट बना लीजिए। सपोज दैट इस वी नोच को करना है सर्कुलर, तो यहाँ सर्कुलर कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो ये सारी बातें हो गई, इसे ओके करते हैं। रिलीफ को हमने एक्चुअली पिछले वीडियो में नहीं समझाया, तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन किए दे रहे हैं। तो जैसे ही आप इसका फ्लैटर्न प्रीव्यू देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे जूम करिए, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कटा हुआ पार्ट आ रहा है ना, जैसे हमने वहाँ पे किया था, यहाँ पे सर्कुलर कटा हुआ पार्ट आ रहा है, तो इसे रिलीफ कहते हैं। रिलीफ से आसानी ये होती है कि जब इस बेस से जो वाल हैं जो फोल्ड होती हैं, तो इनकी फोल्डिंग ये यहाँ पे रिप होती है, ये दोनों प्लेटें आपस में, तो यहाँ पे रिप होने की वजह से ये जो रिप है, अगर वी वी नोच है जैसे यहाँ पे, ये देखिए ये चीज़ आगे की ओर ना, यहाँ से जैसे कोई चीज़ कहीं पे ब्रेक होती है, तो उस ब्रेक की वजह से वो चीज़ और आगे ब्रेक होती चली जाती है ना, तो वो चीज़ ना हो, यहाँ से और ब्रेक होती ना चली जाए ये सीट हमारी, इसलिए वहाँ पे एक रिलीफ ऐड कर देते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और वो रिलीफ आगे की ओर ब्रेक होने से रोकती है और आसानी से पार्ट को फोल्ड करने में मदद करती है। तो ये होता है कॉर्नर रिलीफ का मतलब। तो सबसे पहले हम इसको अनबेंड करते हैं और ओके, ये देखिए अनबेंड हो गया ये पार्ट ना ऐसे। आप चलते हैं कॉर्नर रिलीफ में, कॉर्नर रिलीफ में आ गए, और यहाँ से जो ये वाला ऑप्शन रहता है, तो इसका मतलब है आठ सारी कॉर्नर रिलीफ ऑटोमेटिक सिलेक्ट है। तो हम यहाँ पे मैनुअल मोड में चलते हैं, प्लेसमेंट में आते हैं, ठीक है, कॉर्नर रिलीफ को वन बाय वन सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे जूम किया, ये वी नोच है, वी नोच को ऐसे सिलेक्ट किया। अब वी नोच को किस साथ आप कैसा रखना चाहते हैं, ऑफ राउंड रखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ठीक है, तो वह यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए, और जो ये डिजाइन बनेगी वो यहाँ पे प्रीव्यू होगी। तो यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस आप दे सकते हैं, थिकनेस वन टाइम है कि टू टाइम्स है, टू टाइम्स थिकनेस रहेगी, ठीक है, इसकी मोटाई की या 0.5 टाइम्स रहेगी, ऐसे जितना गैप देना हो वहाँ पे दे लीजिए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच गैप रहता है। ऑन ओरिजिन यानी ये ऑन ओरिजिन, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, अप टू द बेंड यानी केवल ये चीज़ बेंड तक ही जाएगी, अभी ओरिजिन ही था तो इसके पीछे से जा रही थी, अभी तक ये बेंड तक जा रही है, या ब्लाइंड कर दीजिए, तो ये भी डिस्टेंस हमें यहाँ पे बतानी पड़ेगी कि इस ओरिजिन से कितनी दूर जाना चाहता है, ठीक है, टू टाइम्स थिकनेस, थिकनेस का टू टाइम्स पीछे जाना चाहता है, या फिर आप मैनुअली से ऐसे सेलेक्ट करके ये देखिए कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये फिगर को देखिए और यहाँ से आप सब कुछ समझ सकते हैं। फिर से न्यू सेट बना लीजिए। अब देखिए इन दोनों के साथ तो हमने पहले से ही ट्रीट कर दिया है वहाँ पे, जब हमने यूज किया था कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन फीचर में हमने इन दोनों को ट्रीट कर दिया था। तो जो जो ट्रीटेड नहीं हुई है उनको यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, जैसे इसमें हमें लेना है सर्कुलर, ठीक, तो सर्कुलर में क्या करना है, इसका रेडियस वगैरह चेंज करना है, तो वहाँ हम चेंज कर सकते हैं, थिकनेस के बराबर रेडियस है तो चेंज नहीं होगा, या गैप करते हैं यहाँ पे, या टू टाइम्स थिकनेस करते हैं, तो देखिए और बड़ा हो गया, और बड़ा होता चला गया, ठीक है, तो वो अपने डिजाइन नीड्स के ऊपर है कि कैसा हमें रखना है। ये चीज़ टारगेट हो गया। ओरिजिन कॉर्नर पॉइंट, ओरिजिन क्या होता है, इन दोनों का कॉर्नर पॉइंट ये ओरिजिन होता है, तो ओरिजिन क्या, कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, बेंड लाइन इंटरसेक्शन, या फिर इन बेंड लाइन का इंटरसेक्शन है इस जगह पे, देखिए ये बिंड हुई है, ये बिंड हुई है, ये दोनों आपस में यहाँ पे मिलेंगी, तो अब उसको इंटरसेक्शन को उसने अपना वो बना लिया ओरिजिन, तो ये ओरिजिन है, ओरिएंटेशन बाईसेक्टर डायगोनल, ठीक है।
तो ये मीनिंग है कॉर्नर रिलीफ का, और ओके कर दीजिए। तो ऐसे आप मैनुअली किसी भी कॉर्नर रिलीफ को एडिट कर सकते हैं, और इसके बाद बेंड बैक करिए तो ऑटोमेटिक फिर से बेंड बैक हो जाएगा आपका डिज़ाइन, और आपकी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे कॉर्नर रिलीफ भी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये देखिए सब डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर रिलीफ लगी है, ये हेल्प करेंगी कि ये जो नोच यहाँ पे बनी थी वो आगे की ओर इसको ब्रेक करते हुए ना जाए, इसलिए लगाई जाती है, और पार्ट को फोल्ड करने में आसानी रहे। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, कॉर्नर रिलीफ और कन्वर्जन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर्म के साथ।